चन्ना ए चन्ना उठ जा बेटा, देख कितो तावड़ो उग गयो। बेटी री जात ने इतो सोनो चोखी बात को नी, उठ जा। सास रे जानो है तने, सास रे सोन दियो नी भाई जी, भी तो सुते है बैठे है, मन भी सोन दो। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सोन दियो। चन्ना, तू भाई रो के इसको करे बेटा, वो तो छोरो है, छोरो कमाड़ ले आर देसी, अतने तो सास से जानो है नी, उठ जा। सारा दिन सास रह जाना कटे कौन जानो। मैं तो प्यार करूं नहीं, मैं तो छोड़ के कटे कौन जाऊं। देख बेटा, प्यार तो तू घणो ही करे, माँ बेटी हूं करे, बेटी माऊ करे, पर एक दूसरा में छोड़ तो जानो ही पड़सी। ब्याह करना नहीं तेरो, तन सास से जानो बेटा। बात समझ में को नहीं आऊ मैंने। भाई जी जो भी करो ठीक है, कठी भी जा सके की भी कर सके, बने कोई रोक टोक को नहीं, सारा रोक टोक मारे पर ही है। ना बेटा, इसी बात को नहीं, देख भाई ने जितो प्यार करूंगी तो नहीं करूं, मारे लिए तो दोनों बच्चा बराबर हुआ नहीं। देख ई कोख हुई तो तने जन्मी, ई कोख भाई ने जन्मी, तो एक दूसरा के प्रति भेदभाव को नहीं मेरे मन में, माँ के लिए तो दोनों बराबर हो थे। रहने दो, खाली मन मन रखने वास्ता, मन राजी करने वास्ता बोल रहे हो। तोरी लगन वाली में की बात को नहीं, अपार गुनु शासन में रहसी तो पछे सुख पासी, तो दोरो कौन लगे तने, अच्छो लाग सी बेटा। पछ दोरो कौन लगा, हाँ मन ठाई पछ तो सासरे जाना है, सासरे। बेटा सुन, अपा परिवार में रेवा, 20 जना रह सके, सारो मान सम्मान रखनो, सह को आदर करनो, बेसी घूमनो फिरनो नहीं, ऐसे बात तने सीखनी पड़े नी। देख घूमनो फिरनो नहीं, सबके सामने बड़ा के सामने चटर पटर नहीं बोलनो, इस अभिषेक कपड़ा नहीं पहनना। कपड़ा की तो बात मत करो, ठंडा है वे फिल्मा में वे एक्टर सब इतना फूट रहा कपड़ा पे रहे, वे लाली लगावे, पाउडर लगावे, कितना फूट रहा लगा वे। मन भी सिनेमा जान दे नहीं, मेरे बात तो भी अभी सास रह जाना नहीं, सास रह तो तब तक सिनेमा जान दे नहीं। बेटा तू कवे की बात तो ठीक है, पर सुन दादो सानी, दादो सने ऐसा चीजें चोखी कौन लागे, बाना ज्यादा भटकनो घूमनो फिरनो ये बाना अच्छी कौन लागे। देख तेरा ब्याह हो जावा नी, जरा तू सह कर ले, घूम ले फिर ले सज ले या लिपस्टिक लगा ले, तने कोई ना कौन करे। पर बेटा अब आ तो देख, तू कॉलेज जावे, कॉलेज में भी तने ज्यादा नहीं सजनो, एकदम आपने तो सीधे साधे जानो। सारो संयम, अनुशासन, सहनशीलता, जितो भी सभी ने सारो को ज्ञान थे मने दे दो, मतलब मैं मारी मन की दुखी कर ही कौन सकूं। क्यों? क्योंकि मन तो सासरे जाना है। बेटा इसी बात को नहीं सुन, परिवार सामूहिक परिवार में रहे नहीं तो सह चीजें आप पे सीखी जावे। क्या अब बता, आप परिवार में रहवा है नी, दादो सा दादी सारो कितो तो मान सम्मान करा है, बारो बातारो मान रखा, बारी बातारो मान रखनो आपनो फर्ज है। आप अनुशासन में रहवा, वो अनुशासन ही है जो को आपने एक दूसरा के सागे रहनो सिखावे, एक दूसरा रो मान सम्मान करना सिखावे, एक दूसरा रे कोई तकलीफ हुए तो आप एक दूसरा रे काम आवा, और एक दूसरा रे भावारो आदर करा है नी। हाँ माँ, मैं सब कुछ समझ गई। जितना भी दस मन समझाया और संस्कार दिया, उन्हें मैं सगला आपरे जीवन में उतार सी। मन तो सासरे जाना नहीं, सासरे सीखना ही पड़ सी है सब। तो जितना भी दे बताया नहीं, सागे रहनो, प्रेम शु रहनो, सगला रे सागे मिलजुल के रहनो, मर्यादा में रहनो, आदर करनो, सब कर सी। मैं सासरे जानो भाई, सासरे सब कर सी। देखो हमारी बेटी कितनी समझदार है, इतनी समझ गई, अरे मारी लाज दुलारी, लाज दुलारी अच्छा हो रही है, सास रे जाओ करना। मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। क्या बात है, क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रही हो, मैं भी तो किटी पार्टी से आई हूँ, थोड़ा सुस्ताने तो दो मेरे को। सुस्ताने दो, मेरे शो का टाइम हो रहा है, आप यहाँ सुस्ताते रहो, मैं तो चली, बाय। क्या होता जा रहा है इस लड़की को, किसी की भी सुनती नहीं है। मैं सोचती थी कि जिस बंदिश में हमारी परवरिश हुई है कम से कम वैसे तो नहीं रहते ये, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं भी क्या क्या सोचने लगी, इस एज में ये अपनी मन की नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मम्मी हाँ, मेरा खाने पर वेट मत करना, मैं बाहर होटल में ही खा के आऊंगी।
इतनी चाव से मैंने उसके लिए खाना बनाया था। खैर कोई बात नहीं। रात के 12 बज गए हैं लेकिन इस लड़की के आने का कोई अता पता नहीं है। इसके पापा आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। धीरे बोलो, ये तो रोज की बात है। वैसे भी पापा को कहाँ फुर्सत है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या कहाँ जाती हूँ उसकी। जस्ट यू एंड मी माय डार्लिंग। बस अब बटरिंग लगाना छोड़ दे और सो जा, कल कॉलेज भी तो जाना है। ओहो मम्मी, कल संडे है। संडे कल तो मुझे जिम जाके जो थुल थुल बॉडी है इसे स्लिम ट्रिम करना है। अच्छा भाई, गुड नाइट। उठो बेटा, देखो तुम्हारे पापा के दोस्त भी आने वाले हैं अपने लड़के के लिए तुमको देखने। और हाँ, आज काम वाली भी नहीं आएगी तो थोड़ा काम में मेरा हाथ बटा देना। काम? मैं? आपको पता है ना मुझे घर के काम वाम करना अच्छा नहीं लगता है। ले, पापा का फोन भी आ गया है। हेलो। हाँ सब तैयारी हो गई है। अच्छा, लड़के की माँ आ रही है देखने के लिए। ठीक है जिनेंद्रा, आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है। हाय आंटी। जी। मैं ठीक हूँ आंटी, मेरे क्या होता है। आइए, आपका बेटा क्या करता है? मेरी बेटी तो जॉब करती है। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खाना बनाना आता है कि नहीं? खाना बनाना आता है? खाना बनाना ना मुझे आता है और ना मैं बनाती हूँ। एक फोन मिलाने पे बढ़िया से बढ़िया खाना ऑनलाइन मिल जाता है, तो खाना बनाने का झंझट कौन पालेगा। तुम्हारा कहना ठीक है बेटा, लेकिन हाथ से बने खाने में जो अपनापन और प्यार है वो बाहर के खाने में कहाँ है। रहने दो आंटी, मैं जॉब करके इतना तो कमा लेती हूँ कि अपने लिए 4-5 नौकर रख सकूँ। अगर आपको कोई काम करने वाली, घूंघट में रहने वाली, शाम को पाम दबाने वाली, दिन भर काम करने वाली बहू चाहिए तो जाइए, कोई अनपढ़ गंवार ले आइए। संस्कार की बातें अगर माँ नहीं सिखाएगी तो और कौन सिखाएगा। देखिए, ये मान सम्मान, ये मर्यादा की बातें आजकल की जिंदगी से डिलीट हो गए हैं। डिलीट है? सर्दी कोई से भी हो, थोड़ा वो तो फेरबदल होता ही रहता है, लेकिन छोटो बड़ों के प्रति मान सम्मान ये सब तो हम लोग को सिखाना ही चाहिए। रहने दीजिए, ये उपदेश की बातें यहाँ नहीं चलेगी। आप उपदेश कह रही है, उनका अंजाम तो आप देख ही रही हो। घर घर में तलाक की हुई बेटियां बैठी है और आज की माँ मोम जो बन गई है। जय जिनेंद्र। जागो जागो प्यारी मम्मियों, मोम से माँ बनना है। लर्न अनलर्न रीलर्न से संस्कृति को अपनाना है। मर्यादा अनुशासन सेवा श्रमशील जिंदगी है अपनी। मान बड़ों को, प्यार सभी को, जीवन में यह सद्गुण हो। पढ़ो लिखो तुम जो करो, घर परिवार सजाना है। धरी हो तुम परिवार की, नई ऋचाएं गढ़ना है। माँ बेटी का प्यारा रिश्ता नई उमंगों वाला है। सास बहू में हो परिवर्तित, रिश्ता बड़ा निराला है। रिश्ता बड़ा निराला है। ओ मरम।